आपका क्वेश्चन है स्टेट द ट्रू एंड फॉल्स. सेम अ रे हैज वन एंड पॉइंट ओनली. अ रे हैज वन एंड पॉइंट ओनली. तो हमारी रे कैसी होती है हमको पता है. सपोज ये हमारी एक रे है. दिस इज ए एंड ये बी. तो इसने कहा वन एंड पॉइंट, दैट मीन्स ए इज द एंड पॉइंट. तो इट्स अ ट्रू. ट्रू. नेक्स्ट फिर इसने क्या कहा सेकेंड क्वेश्चन में. अ सेगमेंट हैज वन एंड पॉइंट ओनली. सेगमेंट कैसा होता है हमारा ऐसे ए एंड बी. तो आपके एंड पॉइंट्स कितने हो गए वन एंड टू. टू एंड पॉइंट्स. तो ये क्या हो गया वन एंड पॉइंट लिखा इसने. दैट मीन्स इट्स अ फॉल्स. ठीक है. नेक्स्ट द रे ए बी इज सेम एज रे बी ए. समवट कंफ्यूजन है. अब आप देखोगे हमने एक रे बनाई. दिस इज अवर ए एंड ये है पॉइंट हमारा बी. नेक्स्ट रे मैं बना रहा हूं ऐसे. दिस इज अवर बी एंड दिस पॉइंट इज अवर ए. क्या ये दोनों सेम है. नो. वाई मीन्स दिस रे ए बी हैज एंड पॉइंट एट ए एंड हियर एंड पॉइंट एट बी. तो इसको हम लिखते कैसे हैं. इसको हम लिखते हैं ए बी और ऊपर एरो लाइक दिस. दैट मीन्स बी इज ओपन. बी गोज अप टू इंफिनिटी बट ए इज क्लोज्ड. और इसको हम कैसे लिखते हैं बी ए एंड लाइक दिस. यार बी इज क्लोज्ड ए गोज अप टू इंफिनिटी. तो क्या कहा इसने इज सेम. नो इट्स अ फॉल्स. ठीक है. नेक्स्ट ओनली अ सिंगल लाइन मे पास थ्रू अ गिवन पॉइंट. मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट है. इस पॉइंट से कितने लाइन जा सकते हैं इंफिनिटी. लाइकवाइज है ना. इस टाइप से आपकी कितने लाइन जाएंगी इंफिनिटी. तो इंफिनिटी दैट मीन्स काउंटलेस. तो ये क्या हो गया आपका इट्स अ फॉल्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन टू लाइंस आर कोइंसिडेंट इफ दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन. तो वो कोइंसिडेंट होता है या कॉन्करेंट होता है. तो हमारा आंसर होता है कॉन्करेंट. कैसे होता है वो लाइक दिस. इस टाइप से एक सिंगल पॉइंट है. इसमें से हमारी एक लाइन एल जा रही है एक एम जा रही है और एक एन जा रही है लाइक दिस. तो वही उसने बोला टू लाइंस आर कॉन्करेंट. मतलब अगर दो लाइन कॉन्करेंट हैं कब. कॉन्करेंट है व्हेन दे हैव अ सिंगल पॉइंट नॉट कोइंसिडेंट. कॉन्सिडेंट. ठीक है. तो इसकी जगह पे आपका क्या आएगा कंकरेंट. तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स. ठीक है.